हे ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल. सो आज का मेरा वीडियो है मेरे बर्थडे से रिलेटेड. सो हैप्पी बर्थडे टू मी. और मैं हज़ारों साल जी हूँ. या तो आज मेरा बर्थडे है और मैंने ऑफिस से लीव ले ली है, और क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा था वो आने वाली है और वो नहीं आई. वो बोल कर नहीं आई है, जो मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मिली भी होगी. और उनमें से एक यहाँ नहीं है, सिटी में नहीं है, तो इट्स फाइन. बट जो है उसकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आ पाई है. तो अब मैं घर में अकेली हूँ, मेरा भाई ऑफिस गया हुआ है. वो ये सोचा कि मैं जाऊँगी बाहर, बट मैं तो यहाँ पे हूँ घर पे. तो मॉर्निंग में शुरू हो गया, जिन जिन का जिन्हें जिन्हें याद था उन्होंने मुझे विश किया और कॉल वॉल करा. एंड देन कुछ लोगों ने रात में भी किया. और उसके बाद में नॉर्मल मैं जिम गई, डेली रूटीन काम करा घर का, देन पूजा पाठ सब कुछ हो गया है. और कुछ लोगों ने गिफ्ट्स भेजा है तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या मिला है गिफ्ट्स में, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. और वॉट एल्स, या जब मेरा भाई आ जाएगा तो हम केक कट करेंगे. और मैं क्या पहनने वाली हूँ ये भी बताऊँगी. तो मैं फ़िलहाल ये टॉप पहनी हुई हूँ, ये वाला, ये मैंने टॉप लिया था मिंत्रा से. और ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, ये टॉप मुझे बहुत पसंद है. और टॉप मैंने सुबह से यही पहना हुआ है और मतलब मुझे बहुत पसंद है. ये सा कलर, इट्स लाइक गर्लिश पिंकिश ऐसा कलर है. तो हाँ, मैं अब रात में जब मैं केक कटिंग करूँगी तो मैं चेंज करूँगी और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या पहन रही हूँ. दो तीन हैं ड्रेसेस जो मैं सोच रही थी कि क्या पहनूँ इनमें से एक, मतलब थोड़ी श्योर नहीं थी बट अब मैं श्योर हो गई हूँ. तो हाँ, मैं वही पहन करके केक कट कर लूँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी किसने क्या दिया मुझे, गिफ्ट्स क्या क्या मिले हैं. और कुछ लोग हैं जिनको अभी भी याद नहीं है और मैं अकेली हूँ घर में. आज अपने बर्थडे के दिन मैं अकेली हूँ घर में, बता दूँ मैं आप लोगों को. तो ऐसा भी आता है टाइम जब ऐसा होता है, बट ठीक है, यू पीपल आर माई फैमिली. तो यूट्यूब फैमिली के साथ में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी इस बारी. और लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को के साथ में सेलिब्रेट करूँ, वो वीडियो भी शेयर करूँ, बट बर्थडे के टाइम पे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. और मैंने एक्चुअली बर्थडे के एक दिन पहले, दो दिन पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. और बर्थडे के दिन बहुत ज़्यादा ही फीवर था मुझे, बट देन इसीलिए कुछ खास तो नहीं, बट हाँ, मैंने पेरेंट्स के साथ में अपना लास्ट बर्थडे मनाया था बिहार में. और इस बारी तो मैं यहीं पे हूँ और ऑफिस से छुट्टी ले लिया बट कुछ कर नहीं रही हूँ. तो इस सुबह से फ़ोन अटेंड कर रही हूँ. आई टेल यू, मेरा बर्थडे 13 मई को आता है और आज 13 मई फ्राइडे है. और मुझे नहीं पता कि ये जो व्लॉग है वो कब जाने वाला. होपफुली ये आज चला जाए रात में, अगर नहीं तो आप लोगों को 14 या 15 या पता नहीं उसके बाद में देखने को मिलेगा. बट येस, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना बर्थडे व्लॉग, अपना बर्थडे व्लॉग. सो येस, हैप्पी बर्थडे टू मी. बने रहिए और देखते रहिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन में, मेरे साथ रहिए और इन्जॉय करिए आप लोग भी. मैं आपको ये ड्रेस दिखा देती हूँ, बेटर होगा इसमें भी. वैसे तो आप देखोगे फ़ोटोज़ में, मैंने कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं वो मैं दिखा देती हूँ. और ये भी ड्रेस दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है. तो ये है मेरा बर्थडे का ड्रेस जो मैंने लिया है, और एक्चुअली अभी नहीं लिया है, हो गया कुछ टाइम इसे लिए हुए. तो ये इसका ब्रांड का नेम एंड देन साइज एंड एवरीथिंग आई विल मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो फ़िलहाल के लिए ये कैसा दिख रहा है मेरे ऊपर में, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत डिसेंट है. और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग ले सकते हैं. नीज तक जितना मुझे लेंथ चाहिए था ड्रेस का उतना ही है, ना ज़्यादा ना कम. इसका जो फैब्रिक है वो नेट मटेरियल का है और मुझे नेट मटेरियल में चाहिए था. इट्स लाइक नेट एंड ब्रासो काइंड ऑफ मटेरियल. और इसके जो इसका जो लेंथ है बिल्कुल परफेक्ट है. एंड देन मुझे चाहिए था कि जो स्लीव्स हैं लाइक डिसेंट, या इधर ये क्वार्टर स्लीव्स हों या फुल स्लीव्स हों, तो ऐसा चाहिए था. एंड हाँ, इसके जो स्लीव्स हैं थोड़े से लूज़ लग रहे होंगे, इट्स लाइक पफ़ी स्लीव्स. और ये जो मटेरियल होता है इसमें मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा लूज़ ही हो, क्योंकि ये इतने डेलिकेट होते हैं मटेरियल्स कि अगर आप पहन रहे हो या उसको खोल रहे हो तो क्या होता है कि वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं कि फट सकते हैं. तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़े लूज़ ही रहें तो बेटर हो. मेरा बर्थडे ड्रेस है जो मैंने पिक किया है अपने इस बर्थडे के लिए पहनने के लिए. तो कुछ ऐसा ही चाहिए था जो कम्फर्टेबल भी हो, पहनने में अच्छा लगे. तो या
मैं और मेरा भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि वीडियो स्टार्ट हुई या नहीं, अरे ऊपर से ये वो पूरा तो झांक स्टार्ट रहा हुआ है। ना, हाँ हो गया स्टार्ट, कहाँ स्टार्ट हो हुआ? गया, हाँ ब्लू घूम रहा है हम ना। ऊपर से बिल्ली की तरह देख रहे हैं। चल काटे हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक क्लिक लाओ। हम खिलाएंगे ना, कैसे करता केक काटे तो। हर ओहो निकालो ढंग से, क्रीम हाँ है ना इसीलिए लो। लगाएंगे नहीं, लगाएं नहीं 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 ना। हाँ नहीं खाओ खाओ, बस खत्म करो। हो गया हमारा बर्थडे। मम्मी को फोन करो, ये फॉर्मेलिटी रह गया कि मम्मी को फोन करो, मम्मी को फोन, मम्मी अपने पास लो ना। यहाँ मैं अपने मम्मी पापा को कॉल कर रही थी और उस समय मेरी मम्मी पापा से बात नहीं हुई। बजाय थकी रहती हैं। थक के सो गए। थोड़ी देर बाद फिर मम्मी पापा का कॉल आया, देन मैंने बात करी उन लोगों से एंड देन और भी लोगों से, फिर रात में बात मीटिंग हुई। कराया, थोड़ा सो गए होंगे। सेलिब्रेशन था जो सिर्फ मेरे फैमिली में हुआ। मम्मी पापा बिहार में हैं और उनसे बात हो गई, बहुत थके हुए हैं, घर पे काम चल रहा है, मतलब पेंटिंग वेंटिंग का, स्टम्पर का, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं हो पाई, बहुत थके हुए हैं। तो हाँ, मैं और मेरे भाई ने बर्थडे हमारा मेरा सेलिब्रेट कर लिया हम लोगों ने। और बताना कैसा लगा ये बुके जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सारे फ्लावर्स हैं हर कलर्स के, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है अगर कोई मुझे फ्लावर्स देता है तो, बट एक दुख भी लगता है यार कि ये जब ख़राब हो जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है इनको हटाने में, क्या बोलूँ। और ऐसा लगता है कि इसको रख ले, लेकिन ये बुके और केक और जो पर्स मैंने दिखाया, तो ये गिफ्ट मुझे 12th मई को मिल गया था। जब मैं ऑफिस से आई तो मैंने फिर ये वाला कुरियर आया हुआ था गार्ड के पास, मैंने इसको इतना बड़ा रिसीव किया क्या भेज और मैं यहाँ दिया, पे वेट नहीं कर सकती थी इसको खोलने के लिए, तो मैंने चलोगे? खोलना शुरू कर दिया और आप देखोगे ही कि मुझे इसमें क्या चाकू मिला दो, है इस बार गिफ्ट में। तो यस, देखते रहो। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा नोट लिखा हुआ था, वो मैं बस वही पढ़ के खुश हो रही थी। दिस पर्स केप्रिसी का, ये बहुत अच्छा पर्स है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस के लिए, डेली के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए था, तो ये अच्छा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ हो जाएगा। तो यस, इसमें कितने कंपार्टमेंट्स मिल चाहिए, लाइक 2 कंपार्टमेंट्स हैं, मैं देख मतलब सामान ज़्यादा मेरा फिट हो सकता है इस पर्स में। ये मुझे गिफ्ट में मिला। एंड देन एक गिफ्ट मुझे और मिला है जो मेरा मतलब वन ऑफ द मतलब फेवरेट है, पसंद भी है मुझे, शुगर का मिनीज लिपस्टिक, जो कि जिसमें है 4 का सेट, तो इसमें आपको 4 लिपस्टिक के सेट मिलते हैं मिनीज, और ये मुझे गिफ्ट में मिला है। तो 1 सेकेंड, दिस इज़ द लिपस्टिक्स, इसमें 4 लिपस्टिक्स हैं
और इनका मैं आप लोगों को स्वैच जल्दी ही दिखाऊंगी रिव्यूज़, और ये मैं आपको कलर स्वैच करके एंड देन इसका रिव्यूज़ लाइक अप्लाई करके मैं जल्दी ही आपको दिखाने वाली हूँ। ये मतलब दिस वन आई जस्ट लाइक, आई जस्ट लव। तो ये है, मैंने अपना बर्थडे फाइनली सेलिब्रेट कर लिया है अपने भाई के साथ में। छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन था, कहीं बाहर नहीं गए हम सिर्फ घर पे ही थे। वो बेचारा आया है और थोड़ा लेट आया, क्योंकि उसके अलावा मैं लेट आऊँगी, बट मैंने बताया भी नहीं था कि मैं घर पे हूँ। तो सेलिब्रेट हो गया घर पे, सिंपल सा स्वीट सा, और दैट्स इट। गिफ्ट्स मैंने रिवील कर दिए हैं आप लोगों के साथ में। तो जल्दी कोशिश करूँगी यार कि मैं वीडियोस पोस्ट करूँ। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, एक्सक्यूज़ नहीं है। तो हाँ, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब इमोशनली मेंटली पता नहीं क्या 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 चल रहा है और क्या बोलूँ। तो यस, बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आने, बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ। बट यस, मैं आप लोगों के साथ में, मैंने बोला है कि मैं लिपस्टिक आपके साथ में रिव्यू शेयर करूँगी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर। मम्मी पापा ने जो गिफ्ट्स बोला है लेने के लिए, वो मैंने लिया नहीं है, बट वो शॉपिंग करने के लिए जैसे ही मैं जाऊँगी मैं लूँगी, क्योंकि ये पूरा वीक मुझे टाइम नहीं मिला। मेरा बर्थडे फ्राइडे को आया था, फ्राइडे को आया है 13th में, तो इसके वजह से मैं गई नहीं लेने के लिए पूरा वीक। कुछ भी अपने लिए मैंने पहले से भी नहीं लिया था, और ये मैंने ड्रेस ले लिया था तो ये मैंने पहना है। और वीकेंड पे अगर हो पाया कल परसों, तो मैं देखती हूँ जा कर के मैं अपने लिए शॉपिंग करूँगी जो मम्मी पापा ने मुझे बोला है लेने के लिए। अगर मैं जाती हूँ साड़ी लेने के लिए अपने लिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने कौन सी ली है साड़ी। होप आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ में रहें हमेशा। और मेरे लाइफ में अच्छा टाइम तो पता नहीं कब कब आता है, और ऐसे ही मतलब आता है और ऐसे ही हो जाता है। तो इस बार ही अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो था, तो नथिंग मच, बस यस। बट यस, होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा मेरा वो ये बर्थडे का छोटा सा सिंपल सा स्वीट सा वीडियो। अगर यस, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन, एंड यस विश ज़रूर कर देना कमेंट में मुझे, तो अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। आई फील हैप्पी, आई फील गुड। दैट्स इट, विल मीट यू पीपल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय। तो अब हैं मेरे गिफ्ट्स के और जो भी बर्थडे के पिक्चर्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और यस आई लव्ड इट, एन्जॉयड इट, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।